अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अर्थ ऑफ हेलो, नॉलेज। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने लाइफ को जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अर्थ ऑफ नॉलेज। माय नेम इज़ ईशान अली। तो हमने कुछ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस को स्टार्ट किया हुआ था और कुछ बेसिक मैथ भी जो है वो भी हमारा साथ साथ चल रहा है, और इसके अलावा जनरल नॉलेज भी जो है वो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। और इसके अलावा जो है अभी फ़िलहाल हमने PPSC के पास पेपर स्टार्ट किए हुए थे, तो 33 जो है हमारे 33 पेपर्स हो चुके हैं। आज जो है हमने एक और पेपर करना है जो कि 2020 का पेपर है। 2020 के पहले मैं जो है दो पेपर शेयर कर चुका हूँ, तो आज भी जो है तीसरा 2020 का पेपर जो है वो शेयर करूंगा आपके साथ। तो ये एक मॉडल पेपर नंबर है 114 जो कि पंजाब पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट में हुआ था, और असिस्टेंट डायरेक्टर पॉपुलेशन वेलफेयर या डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन ऑफिसर BS17 स्केल का जो है ये पेपर है, 2020 में हुआ था। तो चले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट MCQ था, वो कह रहा है कि बिफोर गिविंग अप सिंगिंग जुनेद जमशेद वाज पार्ट ऑफ विच म्यूजिक ग्रुप। वाइटल साइन जो है उसका नाम था जो कि म्यूजिक ग्रुप था। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी इज रिलेटेड टू UNO वाज इन एग्जिस्टेंस बिफोर द वर्ल्ड वार टू। ILO जो है वो पहले एग्जिस्टेंस था, किससे पहले? वर्ल्ड वार टू से पहले। फ्रॉम विच कंट्री? पाकिस्तान परचेज ग्वादर, उमान से जो है वो ग्वादर परचेज किया था। इंपोर्टेंस ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क वाज द फर्स्ट टाइम हाईलाइटेड इन दास कैपिटल। दिस बुक वाज रिटन बाय कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल जो है वो कार्ल मार्क्स ने लिखी है। व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ जोब? सूरी फोर्थ सलमान जो है उसका ओल्ड नेम था। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज भूमेश चंद्रा बनर्जी जो है उसका कंप्लीट नेम था। व्हाट इज द टोटल व्हाट इज कॉल्ड द रिडक्शन इन द रेट ऑफ करेंसी डिवेल्युएशन जो है उसे कहा जाता है, अगर रिडक्शन हो किसमें? रेट ऑफ करेंसी में। बाबर आजम इज अ फेमस इन द फील्ड ऑफ क्रिकेट। बाबर आजम जो है वो क्रिकेट का एक फेमस खिलाड़ी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स पोस्ट फैक्टो विद रिस्पेक्टिव एक्शन और फोर्स को कहा जाता है। नेक्स्ट MCQ जो है वो कह रहा है कि बॉब डिलन गोट द नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। बॉब डिलन जो है उसने नोबेल प्राइज हासिल किया था लिटरेचर में। आमिर खुसरो वाज द फेमस पोइट इन द कोर्ट ऑफ अलाउद्दीन खिजली। कॉमनवेल्थ गेम 2018 वाज होस्टेड बाय ऑस्ट्रेलिया जो है उसने होस्ट की थी। विच काइंड ऑफ टैक्स इज फेडरल सब्जेक्ट? जनरल सेल टैक्स। जस्ट गुड इनफ मीन गुड फॉर सरकमस्टांसेस। रेड लेक इज सिचुएटेड इन अमेरिका। रेड लेक जो है वो अमेरिका में अवेलेबल है। कायद आजम मोहम्मद अली जिना इनरोल इन विच स्कूल? सिंध मदरसातुल इस्लाम में जो उन्होंने इनरोल किया था। आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विद डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट 18 MCQs है, व्हेन डिड पाकिस्तान ज्वाइन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO जो है वो 1947 में पाकिस्तान ने ज्वाइन की थी। फिल इन द ब्लैंक, अ कैट डिफर्स फ्रॉम अ डॉग। फिजियोथेरापी इज अ क्यूरेटिव मेथड ऑफ इमोबिलिटी ऑफ जॉइंट्स। माउंट किनोबालो जो है वो मलेशिया में पाई जाती है। व्हाट कम नंबर कम्स इन द सीरीज? 5, 4, 9, 13, 22, 35। तो नेक्स्ट जो है वो 57 आएगा। अ न्यू प्रेजेंटेशन कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम ऑल ऑफ द अबव। ब्लैंक प्रेजेंटेशन से भी, फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन से भी, और फ्रॉम डिजाइन टेम्पलेट से भी। यूएसए परचेज लुसियाना फ्रॉम विच कंट्री? ये फ्रेंच ने लिखा हुआ, फ्रांस लिखा हुआ, यहाँ पर उनको स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। तो यूएसए ने परचेज किया था लुसियाना कहाँ से? फ्रांस से। द लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया जो है वो इजिप्ट में सिचुएटेड है। पाकिस्तान इज सिचुएटेड इन साउथ एशिया। अक्यूलेड मीन्स एन अवार्ड और सल्यूट। अ फर्म बाय गुड्स ऑन क्रेडिट विद डॉक्यूमेंट डज द फर्म परचेज टू रिकॉर्ड दिस। जब कोई भी चीज़ें परचेज की जाती हैं, खरीदी जाती हैं, तो वो परचेज इनवाइस जो है बनाई जाती है। वेयर इज ब्रिज ऑफ नो रिटर्न इज लोकेटेड? कोरिया में जो है वो ब्रिज ऑफ नो रिटर्न
अवेलेबल है। द लेसन ऑफ हिस्ट्री इज अ फेमस बुक बाय विल ड्यूरंट। लेसन ऑफ हिस्ट्री जो है वो फेमस बुक है किसकी, विल ड्यूरंट की। द प्राइम फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग जो है वो क्लासिफाई एंड रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन, उसका बेसिक फंक्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास वो कह रहा है कॉन्ट्राबैंड मीन बैन गुड को कहा जाता है, जो कि बैन होती है मतलब पाबंदी लगी हुई होती है। स्लम जो है एक इकोनॉमिक टर्म है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ कल्चर, बोथ ए एंड बी, मटेरियल कल्चर नॉन मटेरियल कल्चर, दोनों को कहा जाता है। नेक्स्ट है हु इज द करंट प्रेजिडेंट या सीईओ ऑफ गूगल, सुंदर पिचाई जो है वो करंट सीईओ या प्रेसिडेंट है किसका, गूगल का। इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन एन आयरन शीट इज कोटेड विद जिंक, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज इन एक्सटिंग्विश फायर, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूज होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटेलिक मिनरल, जिप्सम जो है वो नॉन मेटेलिक मिनरल है। वर्ल्ड वाइड वेब WWW वाज इन्वेंटेड बाय टिम बर्नर्स ली, ने जो है वो उसे इजाद किया। विच शॉर्टकट की इज यूज टू इंसर्ट एन एंड नोट इन MS वर्ड 2016। MS वर्ड में जो है शॉर्टकट की यूज होती है किसके लिए, इंसर्ट एन एंड नोट, कंट्रोल अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी जो है वो यूज होता है। नेक्स्ट है द कराकरम हाईवे N35 स्टार्ट फ्रॉम हसन अब्दाल से जो है कराकरम हाईवे स्टार्ट होता है। हाइपरलिंक जो होते हैं वो पिक्चर्स भी हो सकती हैं, टेक्स्ट भी हो सकता है, ड्राइंग ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पर आंसर आएगा। कल्चर रिलेटिविज्म वाज कोइन बाय जेम्स रे मिलर ने जो है वो कोइन किया था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु मर्टायर्ड इन 21st रमजान 40 हिजरी को जो है वो मर्टायर्ड हुए थे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ एल्युमिनियम जो है वो बुक्साइट है। हु इंट्रोड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी, उन्होंने जो है किसने इंट्रोड्यूस किया था कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी, कार्ल मार्क्स ने। सानोनियम जो है मतलब सेम मीनिंग रखता हो, डिलीट जो है उसका है रिमूव। इन 1948 UNCIP वाज एस्टैब्लिश टू इन्वेस्टिगेट एंड मीडिएट द इंडो पाकिस्तान डिस्प्यूट ऑन द फ्यूचर ऑफ कश्मीर। UNCIP स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशन सीज फायर फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस करेक्टली। खालिद इज एज टॉल एज इफ नॉट टॉलर देन नवीद। द गैस यूज मैन्युफैक्चरिंग और वनस्पति घी जो है वो हाइड्रोजन यूज होती है। चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी का जो है वो मतलब होता है फ्रीडम, तो एंटोनियम होगा स्लेवरी। नेक्स्ट अब्राहम लिंकन इन वाज बिलोंग टू अमेरिका जो है वहां से वो बिलोंग करता है। रियल नेम ऑफ हजरत अबू बकर रजिल्ला तला अनु वाज अब्दुल्ला। स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ कैन बी डन यूजिंग एक्सेल। मैडनेस एंड सिविलाइजेशन वाज रिटन बाय माइकल फोकॉल्ट जो है उसका नेम है जिसने ये लिखा है। जिनाव पाकिस्तान वाज रिटन बाय स्टैनली वॉलपोर्ट ने जो है वो लिखा है। गवादर बिकेम पार्ट ऑफ पाकिस्तान इन 1958 में उसका हिस्सा बना था। नेक्स्ट एमसीक्यू है कल्चर विद इन अ कल्चर, कल्चर जो है वो कल्चर में इज कॉल्ड सब कल्चर उसे कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, रिड्यूस HIV जो है वो है। अ सर्कल टच द ट्राइंगल फ्रॉम इनसाइड इज कॉल्ड इन कोर्सल और इनस्क्राइब्ड सर्कल से कहा जाता है। पॉपुलेशन डेंसिटी इज अ मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो इज अ मेजरमेंट है किसका, पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया का। ब्रोंज एरा स्टार्टेड फ्रॉम विच कंट्री, ब्रोंज एरा जो है वो इजिप्ट से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है 1 to 9 27, 64, 125 तो 256 यहाँ पर नेक्स्ट आएगा। ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन एस्टेब्लिश फॉर सोशल डेवलपमेंट ऑफ वुमेन, पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ वुमेन, मॉरल डेवलपमेंट ऑफ वुमेन, तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव आएगा। द नंबर ऑफ डेथ अकरिंग इन एनी ईयर फॉर एवरी 1000 ऑफ द पॉपुलेशन इज रेफर टू डेथ रेट जो है उसे
कहा जाता है। द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड UNCRC इज इंक्लूडेड इन UN इन 1989 में जो है उसे इंक्लूड किया गया। MDGCA स्टैंड फॉर यहाँ पर मेरे ख्याल से तो मैक्सिमम डेवलपमेंट गोल जो है यहाँ पर होगा। UNODC यूनाइटेड नेशन ऑफिसर ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम इस्टेब्लिश इन 1997 में जो है वो इस्टेब्लिश हुआ। यूरोपियन यूनियन सस्पेंडेड मिलिट्री एरियंस टू तुर्की इन 2019 ड्यू टू अटैक ऑन सीरिया। कंप्लीट द सीरीज 3, 5, 10, 12, 24, 26 ये 3, 5 दो का डिफरेंस है, फिर डबल हो गया 10 आ गया, फिर दो का डिफरेंस है, फिर 12 जो है डबल हो जाएगा 24 आ जाएगा, फिर दो का डिफरेंस है 26, फिर इसका डबल करेंगे तो 52 आएगा। कैबिनेट मिशन वाज सेंट टू इंडिया इन मार्च 1946 में जो है उसे भेजा गया। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है वो 11 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। यूनाइटेड नेशन एजेंसी विद द मैंडेट टू प्रोटेक्ट रिफ्यूजीज UNHCR नोबेल प्राइज विनर अनवर सादत जो है वो तुर्की से बिलोंग करता है। जिना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस वाज रिटन बाय जसवंत सिंह ने जो है उसे लिखा है। द स्टडी ऑफ एज एज्ड एंड एजिंग इज कॉल्ड एज जेरोनोटोलॉजी उसे कहा जाता है। एडियम बर्न द मिडनाइट ऑयल मीन्स स्टे अवेक और स्टडी लेट नाइट इन द स्टडी लेट इन टू द नाइट। Who is investigating the Russian involvement in the USA election 2016? Robert Mueller जो है उसका नेम था। Who broke Shahid Afridi's record of most sixes in international cricket? चैरिस घायल ने जो है उसे शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ा था सिक्सेस का। नेक्स्ट ह्यूमन आई इज सेंसिटिव टू विच कलर लाइट ग्रीन जो है वो यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो मैं आपको बताता चलूं, ब्लू यहाँ पर राइट आंसर है, ये इसका राइट आंसर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो है मूनसून जो है वो विंड्स मूनसून जो है वो विंड्स का नेम है। नेक्स्ट है एक मिनट वेट कीजिएगा। अच्छा, ह्यूमन आई जो है वो ब्लू कलर की सेंसिटिव है और मूनसून जो है वो विंड्स के विंड्स का नाम है, मतलब ये मूनसून आर नेम्स ऑफ विंड्स को कहा जाता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास एमसीक्यूज है वो कह रहा है कि एमएस एक्सेल जो होती है वो स्प्रेडशीट होती है। हाउ मेनी सूरा ऑफ कुरान आर द नेम ऑन एनिमल्स? 6 जो है सूरज है किस पे एनिमल्स के नाम से स्टार्ट होती हैं। फिर इन द ब्लैंक इज सूटेबल प्रेपोजिशन देयर इज एन इरेजर एट द एंड ऑफ माय पेंसिल। बैटरी जो है वो वोल्टा ने इन्वेंट की थी। विंड एनर्जी इज एन एग्जांपल ऑफ विंड एनर्जी जो है वो किसकी एग्जांपल है? काइनेटिक एनर्जी की। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, वो कह रहा है कि द रिको डिक माइन इज लोकेटेड नियर रिको डिक टोन इन चगाई डिस्ट्रिक्ट प्रोविंस ऑफ बलोचिस्तान। विच गैस इज प्रीडोमिनेंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके रिस्पॉन्सिबल है। द ग्रेट बैरियर रीफ इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम लोकेटेड इन जर्मनी। एनोरेक्सिया नर्वोसा इज अ सिस्टम इज अ डिजीज ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर को कहा जाता है। तलसम ख्याल मशहूर नावल किसने लिखा? कर्शन चंद्र ने। खान बहादुर कवायद के रूप से क्या है लकब? यादों की बारात किसकी आबिती है? जोश मली आबादी की। उदास नस्लें जो है वो किसकी तख्लीक है? अब्दुल्ला हुसैन की। इस जिले पबती शब्द देजोर की सोजी अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सोची। यह मशहूर शेर किस शायर का है? इंशा का। दो या दो से ज्यादा अल्फाज जो रोजमर्रा मिजाजी मानी में इस्तेमाल होते हैं कहलाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? मुहावरा। अजीमत के मानी क्या है?
तमाम दुरुस्त हैं। यहाँ पर तलसमी दुआ भी हो सकता है, इरादा भी हो सकता है और मकसद भी हो सकता है। खुदा बख्शे बहुत सी खूबियाँ जो हैं वो थी मरने वाले में। अकबर आलाबाद की किसकी खूबियों का एतराफ़ किया है? सर सैयद अहमद खान ने। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास। यहाँ पे वो कह रहा है कि खामा बगोश किस अदीब का कलमी नाम है? मशफक ख्वाजा। घर की मुर्गी इस फकाही तसनीफ का मुसन्नफ कौन है? असरे कलीम। तो ये आज हमारा पेपर था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी किया करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में, वो भी इंशाल्लाह अभी फिलहाल 2020 का ही होगा। अपना ख्याल रखिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।